ठेलिया के कुश्तियां आदि हों तो कौडी का मैच हों तो अज पंजाबी पेंडू भाईचारे असी अपने भलवाना के दर्शन करावे दीदारे करावे और जेडे कुश्ती वीणी फड़नी कौडी पान का जिन्होंने चा हैगा वे वह अज तैयार हो जाए असी अज सचेते प्रौहने लैके आए है और उन्होंने गलबात सुनो और तुम बहुत वधिया वधिया खाड़े दे लिहाज ना अपना टिप्स भी देंगे जी। बिल्कुल जी, जैसे जिक्र कर रहे हैं सरदार जी, पंजाबियों की खेड पहलवानी कुश्ती एक ऐसा खेल है जिन्हों गबरू जवान खेलते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, इन्हों की खुराक भी बहुत ज़्यादा होंगी है। लेकिन अगर गल की जाए जो पहलवाना का जिक्र होएगा तो जारा पहलवान, भोला पहलवान, ए ताकतवर जो शेर ने इन्हों जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। अकी पहलवान, अकी पहलवान, डबल टाइगर भी कहा जाता है। हाँ जी, ए सारे पहलवाना का जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि सिर्फ इन्होंने बरसगीर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से नाम कमाया है। लेकिन बदकिस्मती दे नाल हुण साडी हाँ यह रिवाज है कि इन्ना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है इस गेम नूं जिन्ना क्रिकेट नूं किया जा रहा है। अच्छी गल है क्रिकेट नूं किया जाए लेकिन इस गेम नूं भी सपोर्ट करना चाहिए। पहचान है ना हमारी, हमारे पाकिस्तान की पहचान है, जिस तरह से हमारा फोक म्यूजिक खत्म होता जा रहा है उस पर जो है फोकस नहीं किया जा रहा है, इस तरह से ये चीज़ भी खत्म होती जा रही है। अच्छा जी, इसी हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा 7 न्यूज तस्वीर मुगल इस वक्त गुजरांवाला के खाड़े में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? And good morning to everybody. Assalam salam. जो आज सब ठीक ठाक है, बिल्कुल फ्रेश जो है अभी सारे पे बैठे हुए हैं जी। तो मेरे साथ जो है इस वक्त रुस्तम में पाको हिंद उमर बट पहलवान है और जो है चैंपियन पाकिस्तान जान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ये शबीर है, ये शबीर हुसैन का खाड़ा है जीटी रोड के ऊपर चेला वाला बाग के अंदर। पहलवान जी सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। पहलवान जी अस्सलाम वालेकुम, जस्सी सिंह साहब जो है तुम अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। पहलवान जी रब तुहानू चढ़दी कला च रखे और इसे तरह तुसी पाकिस्तान दी सेवा करदे रहो जी। अच्छा जी तस्वीर मुगल, मैं पूछना चाहूंगी माशाल्लाह से जिस तरह से खाड़े में आप मौजूद हैं और प्रैक्टिस जारी है, इनकी दाव पेज लगे जा रहे हैं, इस खेल के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि क्या मसला है, क्यों ज्यादा इस खेल की तरफ लोग नहीं आ रहे जितना आना चाहिए? जी ऐसा है कि अगर देखा जाए पहले जो दौर थे उनमें जो है चीजें सस्ती थी, पहलवान जो है वो ज्यादा इस तरफ जो है वो तवज्जो देते थे। जैसे जैसे दौर जदीद होता चला जा रहा है इससे जो है वो लोग दूर होते जा रहे हैं। हाँ, महंगाई की वजह से ये जो है शौक महंगा होता चला जा रहा है। जो गरीब पहलवान है, जो जिन्हें शौक था पहलवानी का, जो गरीब आदमी थे वो अब कर नहीं सकते, वो उन्होंने अपने जो बच्चे हैं वो किसी मजदूरी पे डाल दिया है ताकि घर का जो वो खर्चा चल सके। लेकिन जो पहलवान उनसे जानेंगे ये पहलवानी शौक जो है एक जो है पंजाब की सकाफत है, ये पाकिस्तान की सकाफत भी है। इसमें अगर पहलवानी जो शौक रखने वाले पहलवान है वो शौक नहीं कर पाते, इसकी वजह ये है कि एक तो महंगाई बढ़ी है, चीजें जो है वो काफी महंगी हो गई है। पहलवानी करने के लिए ताकत का इस्तेमाल जो है ताकत होना काफी जरूरी है। दांव पेच लगाने के लिए अगले हरीफ को जो है चित करने के लिए आप में ताकत होगी, आप में जान होगी तो आप जो है ना किसी का मुकाबला कर सकते हैं। इस हवाले से मेरे साथ जो उमर बट पहलवान है जो रुस्तम में पाको उनसे भी मशवरा लेंगे, उनसे जो है अपने नाजरीन को बताएंगे कि कैसे जो है पहलवानी में कौन कौन से गुण आजमाने चाहिए और पहलवानी कैसे की जाए, इस हवाले से उनसे भी बात करने की अभी कोशिश करेंगे जी। जी बिल्कुल तहसीन मुगल, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तहसीन मुगल मुझे बताइएगा, खुराक के हवाले से कहा जाता है कि पहलवान तो पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं, मुझे जसी सिंह बता रहा था, ऐसा है या नहीं है, क्या सदाकत है इस बात में? जी बिल्कुल ये बात ठीक है, मेरे साथ जो दो पहलवान बैठे हैं उनका कहना है कि एक बकरा क्या डेढ़ से दो बकरा उनके लिए खाना कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहलवान जो मेहनत करता है, जो जोर आजमाई करता है, सारा दिन खाड़े में रहकर यहाँ पर मेहनत करता है, उनके लिए खाना इतना खाना तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनका कहना है कि हम जब शादी में जाते हैं हमारे लिए जो स्पेशल जो है वो टेबल लगाया जाता है ताकि वहां पर एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाती है कि पहलवानों के खाने में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहलवान ज्यादा खाएंगे तो वो आगे किसी के साथ मुकाबला। मैं थोड़ी गल ना भाजी एग्री हैगा वा, साडे एक अमृतसर दे पहलवान होए ने अक्की पहलवान जिन्होंने डबल टाइगर भी किया जाता हुंदा सी और उन्होंने किसी उस वक्त की क्या ही कोई मलका सी या कोई सी या कोई इस तरह हैगी सी, उन्हें कहा सी कि अगर तू पूरा बकरा खा जाएगा, वो मुसलमान पहलवान हैगा सी
मैं तो इन्ना विआह कर लाँगी। जती सती लंगोटे के इन्ने को पक्के तगड़े भलवान है, उन्होंने कहा बीबी भैणा विआह तो मैं नहीं करूँगा लेकिन तेनों बकरा खा के खवा दाँगा। और एहो जे भलवान होए उसे पूरा बकरा खा के डकार भी नहीं मारिया। और स्पैशल असी मैसेज ये देना चाहता है सरकार को कि जिहड़े साडे खाड़े वाले भलवान ने देसी भलवान ने यह साडे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया से जाके वर्ल्ड रैसलिंग दे विच खेड के रोशन कर सकते ने। साडी धरती पंजाब ने बड़े बड़े गभरू शीह जवान जिहड़े भलवान ने वह पैदा किए हैं ने, तो इन उत्ते भी ध्यान दिता जाए और इन दी जिहड़ियां फेडरेशन बनिया है उन्हां नूं स्पोंसर किया जाए। और ये भलवानी के उत्ते साडे पंजाब का सभ्याचार हैगा जिदा मैं कौडी की गल की सी वीणी फड़न की गल की सी या खाड़े की गल करते हैं। और मेरी स्पेशल सरकार के बेनती है कि इन्हें सपोर्ट किया जाए। जी हमें बताइएगा कि इरम जैसे स्पोर्ट्स है बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, जैसे आपने मेंशन किया क्रिकेट बहुत ज्यादा लोग जो उसको कर रहे होते अप्रिशिएट, व्हाई नॉट वी आर डूइंग दिस टू दिस गेम, हम कबड्डी के साथ क्यों नहीं इस तरह से इंसाफ कर रहे। तस्वीर मुगल क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? राफिया पूछना चाह रही है कि क्यों हम लोग इंसाफ नहीं कर पा रहे कबड्डी को, क्यों हमने जो हमारी शान है जो खेल हमने क्यों उसको पीछे रख दिया है? जी ऐसा है कि कबड्डी पे हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, जैसे पहलवानी है इसे भी जो है हुकूमत जो है वो पीछे धकेलती चली जा रही है। उनका सिर्फ फोकस है कि क्रिकेट को जो है वो अपाप रखा जाए, क्रिकेट पे ही सारा पैसा लगाया जा रहा है, पहलवानों पर पैसा नहीं लगाया जा रहा। अच्छा। पहलवानों से जो जाते हैं या कबड्डी वालों से जो वादे किए जाते हैं वो वादे वफा नहीं हो सके। अभी तक जो है पहलवानों से जो वादे किए थे गुजरांवाला में भी कि आपको बेहतरीन खाने बना के देंगे, बेहतरीन सहूलियात देंगे आपको, पाकिस्तान लेवल के जो है यहाँ पर जो है वो खाड़े बना के देंगे इंटरनेशनल पहलवान। आपके राइट लेफ्ट पे जो पहलवान बैठे हुए पाकिस्तान का फखर बैठे हुए, आप उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी पूछिए उनकी खुराक क्या है, उनको प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। जी जी बर्साब ये बताइएगा कि आपकी जो है एक्सरसाइज कितनी आप मेहनत करते हैं और आपकी खुराक क्या है? देखिए जो पहलवान है वो तो पहलवान जी पंजाबी पहलवान जेड़े ने सवेरे भी शाम भी दो तीन तीन घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उस तो बाद डंड बैठ का एक्सरसाइज के डंड बैठ का दूरे दौड़ उस सुहागा फेरना खाड़ा पुटना फिर जोर करना, पहलवाना की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। आम बंदा सेहतमंद बंदा भी ऐसी मेहनत नहीं कर सकता, तो उस हिसाब में फिर पहलवाना की जी खुराक है वो भी स्पैशल होंगी है, जेडे जिदे च दुध मक्खन अपना गोश्त देसी घ्यो पकाया गोश्त हों, उस बाद मरक्के होंगे शरबत हों, पहलवाना दिया खुराक ने सदियों तो पहलवान इन्हों इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हूं तक अलहमदुल्ला अभी भी करते हैं। कोई जो सा नवे बच्चे ने नवे पौध जी सा जो पहलवान बनते हैं उन्होंने भी अभी मशवरा देने जी। मुगल यही सवाल मैं आपके जो दूसरे में पाकिस्तान जो है वो बैठे हुए उनसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, मैं चाह रही हूँ वो भी बात करें, वो भी बताएं और हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं वो भी कहें। अच्छा जी पहलवान जी दसा जे ताकि खुराक किसी है तो कि मेहनत करते तो हुकूमत पाकिस्तान का ताकि की मुकाल है जी? असं अलहमदुल्ला पाकिस्तान लैवल तो अच्छी भलवानी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लैवल से भी मैं साउथ एशिया का भी चैंपियन हाँ, पाकिस्तान चैंपियन खाड़े में मौजूद थे और वो बता रहे थे पहलवान माशाल्लाह से आपने देखे और वाकई लग रहा है कि इनकी खुराक जितनी है वो अब मुझे समझ आई कैसे डाइजेस्ट करते हैं। जिद्दां कि असीं सभ्याचार दी वी गल करांगे और सभ्याचार दी जिहड़ियां खेडां हैगियां ने उहदी वी गल करांगे कि तुहानूं जिस तरह एक बीबी साडी अंग्रेजी च बड़ा वधिया बोलदी, एक साडी उर्दू च बड़ा वधिया बोलदी हैगी और इदां ही सभ्याचार दी गल करीए ते जिहड़ा कौडी पाउणा वीणी फड़ना और जिहड़ा खाड़ा लाउणा हैगा वे इह पंजाबियां दी खेड है और फिर असीं तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होवांगे। एक निक्की जिही ब्रेक लैंदे आ, चक दे फट्टे नप्पदे किल्ली लाहौर तों लैके दिल्ली पाकिस्तान के साथ देखते रहिए।